नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, हे भगवान, यह कैसा धर्म संकट है। अब सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु। आने वाले अगले 3 दिन हो जाइए सावधान, काल के गाल में बुरी तरह से फंस चुके हो। अब सब कुछ भगवान के हाथ पर छोड़ दो और देखो आने वाले अगले 3 दिन आपके साथ क्या क्या खिलवाड़ होने वाले हैं। आज की यह पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्रों के चाल के आधार पर निर्माण हुआ है। अंतरिक्ष के व्यापक ग्रह पूरी तरह से बदल चुके हैं और अगले 3 दिन तक काफी प्रभावशील रहेंगे। अंतरिक्ष के व्यापक ग्रह आने वाले अगले 3 दिन क्या क्या असर दिखाने वाले हैं आपके जीवन पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके व्यापार व्यवसाय पर, तो वहीं आपके लव लाइफ पर कौन से शुभ एवं कौन कौन से अशुभ प्रभाव डालने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या सावधानी आपको बरतना चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है और इस काल के गाल से कैसे बाहर निकलना है, उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। और वीडियो के अंत में एक जबरदस्त उपाय बताएंगे जो कि दोस्तों इस दुनिया का कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा और दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, उसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों वीडियो के बीच बीच में कुछ सावधानियां, कुछ गलतियां हैं आपकी जो कि आपको नहीं करना है और अंत में उपाय है। दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले भगवान भोलेनाथ के जो भी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंभु, जय भोले भंडारी लिखेगा, उनके एक झटके में सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक अनमोल विचार से। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिनका कोई समस्या ना हो, और इस पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिनका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही होती है। इसलिए समस्या कोई भी हो वो इंसान से बड़ा नहीं हो सकता, और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो तुरंत हार मान लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। बात अगर आपको समझ आई हो और भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों से अगर आप सहमत हैं तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें राधे राधे जय श्री कृष्ण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आने वाले अगले 3 दिन आपके लिए किस तरह से व्यतीत होने वाला है और क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। नमस्कार तुला राशि वालों, यह समय कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों को धैर्य और शांति से काम करें। अगर भूमि संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो पेपर संबंधित कार्यवाही बहुत ध्यान से करें। अगर कहीं जांच पड़ताल करने के बाद ही करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, संबंधियों के आगमन से महत्वपूर्ण कार्यों में बाधाएं आ सकती है। साथ ही साथ किसी बात को लेकर पारिवारिक नाराजगी भी सहन करनी पड़ सकती है। अगर कोई समस्या हो तो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना होगा और बात एक दूसरे से ज्यादा नहीं करना है, इसलिए व्यस्तता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल रहेगा। काम के साथ साथ संबंधों को भी मजबूत रखने की जरूरत है। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए व्यक्तिगत समस्याएं आ सकती है, लेकिन आप घबराने की बजाय परिस्थितियों का समाधान ढूंढने का प्रयास करें और सफल भी रहेंगी। देखिए दोस्तों अगर समस्या है तो उनका समाधान भी है। समस्या से भागना यानी कि दोस्तों दूसरी समस्याओं को निमंत्रण करना, न्योता देना। इसलिए दोस्तों चाहे समस्या कैसी भी क्यों ना हो, डट कर सामना करेंगे तो समस्या अपने आप दूर चला जाएगा और समाधान आपको मिलने लगेगा।
देखिए दोस्तों, पारिवारिक सदस्य किसी उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल अच्छा रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखें कि अगर प्रयासरत कार्यों में कोई व्यवधान आ सकता है तो इसकी वजह से आपकी एकाग्रता में कमी होगी और दूसरों के मामलों में बिन मांगे सलाह देना आपकी मनहानि का कारण बनेगा। इसलिए अपने काम से ही मतलब रखें, दूसरों पर ज़्यादा आपको इस समय रोका टोकी नहीं करना है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, इस समय आवाजाही करना आपके लिए थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है, हो सके तो आप यात्रा ना करें तो अभी आपके लिए बेटर रहेगा। सम्मानित और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आपको नए नए विषयों की जानकारी मिलेगी। घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीदारी संभव है और टेक्निकल के क्षेत्र से जुड़े युवा वर्ग को रिजल्ट की कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलेगी। लेकिन दोस्तों, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से परेशान होने की बजाय उनका हल ढूंढने की कोशिश करें और ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटाश न आने दें, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, वरना इसकी वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है, एक दूसरे में दूरियां बन सकती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी आपके लिए थोड़ा सा अच्छा समय है। जो लोग फाइनेंस से संबंधित उलझा हुआ था तो उनका काम सुलझ सकता है और संतान की किसी समस्या को हल करने के लिए आपका सहयोग सकारात्मक रहेगा। आस पड़ोस की सामाजिक गतिविधियों में आपका वर्चस्व रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी काम हल निकलेगा और नकारात्मक लोगों से, छलिए लोगों से दूर रहने का प्रयास करें, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। और आलस्य की स्थिति से बचने का प्रयास करें। आलस्य इस समय आपके ऊपर ज्यादा आएगा, आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। और इस वजह से आपके महत्वपूर्ण काम अटक सकते हैं और आज किसी भी तरह की आवाजाही ना करें, क्योंकि इसमें फायदे की बजाय नुकसान होने की ज्यादा आशंकाएं बन रहे हैं। सितारे कहते हैं हर तरह से नुकसान ही नुकसान होगा, इसलिए जितना हो सके आप घर पर ही अपने परिवार वालों के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ समय व्यतीत करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय मीडिया, आर्ट्स, कंप्यूटर आदि से जुड़े व्यवसाय में लाभदायक स्थितियां बन रही हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा संबंधित गतिविधियों का सम्मान करना पड़ेगा। सरकारी सेवारत लोगों को अपनी मर्जी के विपरीत कोई काम करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय वैवाहिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लव पार्टनर के साथ भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो यह समय खान पान की लापरवाही से पेट संबंधित दिक्कतें आएंगी, जिससे स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है और आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नहीं करना है, इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। दोस्तों, खास उपाय की अगर बात करें तो एक बाल्टी पानी लेनी है, उसमें आपको 5 नींबू निचोड़कर, 1 कप नमक और 4/4 सफ़ेद सिरका डालकर इस मिश्रण से पूरे घर और खिड़की को भी, दरवाजे को भी साफ कर दें। यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर को नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं पाएंगी और आपके घर सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। जी हाँ, ये उपाय बहुत ही सरल है और कारगर है, आप करके देखिएगा, आपको लाभ